एक्सएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त को जो भारतीय संविधान जलाया गया, वहां नारे लगाए जा रहे थे, मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आइए हम जानकारी लेते हैं कि मनुस्मृति है क्या और मनुवाद है क्या। हमारे बीच में एडवोकेट भानु प्रताप जी। सर, एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मनुस्मृति जिस दिन 9 अगस्त को भारतीय संविधान जलाया गया, वहाँ बड़े रौब से मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगे थे। मनुस्मृति क्या है, ये आपसे जनता जानना चाहती है। देखिए, मनुस्मृति मनु द्वारा, जिसे हिंदू समाज के लोग अपना पुरखा मानते हैं, उसके द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। और वो इस देश में अगर अन्याय पर आधारित या अन्याय का सबसे बड़ा संरक्षक या मानने वाला कोई ग्रंथ है तो वो है मनुस्मृति। इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। है कि आखिर है क्या मनुस्मृति या मनुवाद? तो मनुवाद वो है जो मनुस्मृति में लिखा है, उसको जो लोग मानते हैं, वो विचारधारा, ये मनुवाद है। पर है क्या? अन्याय पर आधारित एक दस्तावेज जिसमें इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को पैर की जूती माना गया, जिसमें महिलाओं को किसी भी तरह का कोई अधिकार पुरुष के समान दिया नहीं गया, जैसे उसे पढ़ने का अधिकार नहीं, जैसे उसे संपत्ति का अधिकार नहीं, जैसे वो कोई भी कर्मकांड किसी भी तरह का करेगी कर नहीं सकती है वो। मनुस्मृति में ये सारा सब कुछ लिखा गया है। तो एक ऐसा दस्तावेज जो इस देश की आधी आबादी को पैर की जूती मानता है, वो मनुवाद है। क्या आज की तारीख में आप और हम इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या हमें ये सब कुछ सहन करना चाहिए? दूसरा, क्या है मनुवाद? मनुवाद ने बताया वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मीन्स चार वर्ण हैं इस देश में, जो इस देश की पूरी जो लोग हैं उस चारों वर्णों में बटे हुए हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय और उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। शूद्र मतलब आज की तारीख में अगर हम शूद्र कहें तो इस देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी इस देश की 85% आबादी शूद्र समाज की आबादी है। और उस शूद्र समाज की आबादी को अपने पैरों के तले दबा के रखने की ये एक दस्तावेज है, जिसमें शूद्र समाज के व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं। जैसे मैं अगर कहूं, शूद्र समाज का व्यक्ति अगर वेद का कोई भी शब्द अगर उसके कान में पड़ जाए, तो मनुस्मृति में लिखा है कि उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देना चाहिए। अगर वो अपने मुंह से कोई वेद के वर्ण का शब्द का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। उसे संपत्ति का अधिकार नहीं है। और शूद्र समाज के व्यक्ति को ऊपर के जितने भी ये तीनों वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इनकी सेवा करनी है। और शूद्र समाज अगर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को किसी को गाली देता है तो उसे उसकी हत्या कर देनी चाहिए। यह मनुस्मृति में लिखा है साथियों। और मनुस्मृति में यह लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण से शूद्र समाज की हत्या हो जाए तो उसे सिर्फ इतना दंड दिया जाए जैसा एक कुत्ते को मारने पर होता है। तो आज की तारीख में कुत्ते को मारने पर क्या दंड है साथियों? कोई किसी तरह का दंड नहीं है। मतलब मनुवाद, मनुस्मृति अन्याय पर आधारित, अत्याचार पर आधारित एक दस्तावेज है, जिसे आज के समाज में, आज के समय में ये चंद बुद्धिहीन लोग, चंद गुंडे लोग, चंद बीजेपी के दलाल, आरएसएस के गुंडे लोग इसे लागू करना चाहते हैं। तो बीजेपी का, आरएसएस का एजेंडा यही है कि मनुस्मृति लागू करो, यानी अन्याय और अत्याचार की व्यवस्था को लागू करो। और संविधान हमें सबका समानता का अधिकार देता है, सबके सारे अधिकार, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुता का न केवल संदेश देता, अधिकार देता है, हमें जीने के सारे अधिकार देता है। तो उस संविधान को जलाकर और अन्याय पर आधारित, अत्याचार पर आधारित ये व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, ये है मनुवाद। अब मैं लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको, क्या लोगों को ये अन्याय पर आधारित, अत्याचार पर आधारित दस्तावेज चाहिए? अगर चाहिए तो इन गुंडों के साथ खड़े हो जाओ, अगर नहीं चाहिए तो संविधान की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ साथियों, अन्यथा ये चंद गुंडे आपको जीने नहीं देंगे। सर, एक वो कहा गया है कि ढोल गवार सुध पशु नारी, ये सब ताड़ के अधिकारी, ये रामचरितमानस में है, जो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस में है। और ये उसी को रामायण का ही एक, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि रामायण और रामचरितमानस क्या है, उसी को रामायण ही मानते हैं, रामचरितमानस को। लेकिन ये उसी मानसिकता का परिचय है
जो मनुस्मृति में, क्योंकि इन सबकी जड़ ही मनुस्मृति है, वही मनुवाद इस सबकी जड़ है, जिस जो मुंह से कहलाता है, तुलसीदास के मुंह से कहलाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी कि ढोल, ढोल जो बजाते हैं आप, गवार यानी इंसान जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, यूं कहें कि जो गरीब है, और इस देश की आज की तारीख में 65% से ज्यादा जनता गरीब और अनपढ़ ही समझिए आप उसे। और इसके अलावा पशु, पशु को पीठो बिता रहे, चाहे कुछ नहीं कहता फिर भी पीठो। और नारी यानी कि इस देश की आधी आबादी नारी और शूद्र, तो 85% वो और आधी आबादी ये, तो चंद लोग रह गए, मात्र 5 से 7% या 10% लोग रह गए। ये पूरा देश भारत उन्हीं के जीने के लिए है? नहीं साथियों, ये हम सबका देश है, हमें इसको बचाना है और इस गुंडागर्दी का मुकाबला करना।